निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव प्रचार के संबंध में हर दलों की राय ले रहे थे। हम लोगों ने भी अपनी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपनी राय दी है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव प्रचार जो है दो भाग में बांट दीजिए, एक उम्मीदवार जो है गांव-गांव घूमे वोट मांगे जैसे पहले मांगते थे, और बड़े नेता जो हैं वो रैलियां कैसे करें, किस प्रकार रैली करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन हो, जो SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका कैसे पालन हो सके, ये चुनाव आयोग तय करे और उसके अनुरूप हम लोग काम करें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मांग किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का पैरामिलिट्री फोर्स जो कई राज्यों में जाता था आज फ्री है, पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के एक फेज में चुनाव प्रचार चुनाव संपन्न कराइए। आपको अगर चुनाव कर्मी की कमी हो तो यहाँ के भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों को लगाइए, बगल के राज्यों से कर्मचारी को मंगाइए, लेकिन एक फेज में चुनाव कराइए ताकि चुनाव का जो बोझ रहता है उम्मीदवारों के ऊपर 5 फेज 6 फेज का वो समाप्त हो जाए और एक दिन में चुनाव संपन्न हो। सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर कभी चर्चा हुई? डिजिटल प्लेटफॉर्म, वही तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप चुनाव आयोग फैसला करे, क्योंकि आज की तारीख में हाईकोर्ट भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, सब जगह उसका पालन हो रहा है, तो बड़े नेता कैसे रैलियां करें इस पर चुनाव आयोग कोई दिशा निर्देश दे और सबों से राय लेके राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे राय विचार करके कोई निर्णय ले। सर,